दुर्राहा जीटी रोड ते नाकाबंदी दौरान कार च सवार दो व्यक्तियां ने पुलिस ते जानलेवा हमला कर दिता ते जान वेले पुलिस अधिकारी दा रिवॉल्वर खो के फरार हो गए। मिली जानकारी मुताबिक एसआई सुखदेव सिंह ते एसआई सुखबीर सिंह जीटी रोड ते नाकाबंदी कर चेकिंग कर रहे सन। कार सवार दो चिट्टिया पगां वाले नौजवानों ने पुलिस नाल बहस करदिया मारकुट करनी शुरू कर दी ते एसआई दा रिवॉल्वर खोलिया। इस कुटमार विच कई पुलिस मुलाजम बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने ते कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने मौके ते पहुंच के घटना स्थल का जायजा लिया। मौके ते पहुंच के एसपी खन्ना मनप्रीत सिंह ने दसिया कि दो व्यक्तियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिता गया ते पुलिस ने फिलहाल अणपछाते नौजवानों खिलाफ मामला दर्ज कर उन्होंने भाल शुरू कर दी है ते मुलजमान नूं जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने गड्डी चैक कराने को कहा भी गड्डी चैक करनी है। उन्होंने गड्डी चैक कराने बजाय भी गड्डी चैक नहीं कराई, लड़ पे इन्हों पुलिस वाले। हाँ जी, तो उस तो बाद असला उसला भी उन्होंने को मुलाजम का भी एक रिवॉल्वर लैके नाल। अच्छा, तो मुलाजम घायल भी हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बंदे गड्डी किन्ने सके? दो जने। गड्डी कितने रंग की? वाइट कलर। कोई गड्डी का पता अंदाजा कि गड्डी? इन्ना नहीं भाजी पता। अच्छा, रोंग साइड गड्डी? रोंग साइड ही लैके खन्ने वाले। साढ़े एंटी नारकोटिक सैल की जी रेगुलर चैकिंग चलती रही है माड़े पुरुषों के खिलाफ, वो नाके के दौरान इतने गड्डी रोकी सी, तो उन्होंने मुलाजमान के नाल हथोपाई की, बाद चो गड्डी लैके भज गए ने। उदा तो असं FIR लॉज करती है, जो भी बनती कार्रवाई है वह की जाऊगी, तो उन्होंने जल्द से जल्द फड़ा जाऊगा। हाले जो भी मुलाजमान तो वेरीफाई कर रहे हैं, जो भी आऊगी सामने गलत दस जाएगा। बाद फेसबुक पेज नू ते सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।